हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ओप्पो A53 में और ओप्पो F15 में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। ओप्पो A53 की है 6.5 इंच की रेजोल्यूशन है HD में और उसमें IPS सेंसर डिस्प्ले का यूज किया गया है। और ओप्पो F15 की जो डिस्प्ले है वो 6.4 इंच की है, रेजोल्यूशन है 1024x2400 पिक्सल और उसमें एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। और डिस्प्ले के मामले में ओप्पो F15 आगे हैं। बात करते हैं प्रोसेसर की। ओप्पो A53 का है स्नैपड्रैगन का 460 का, CPU है 1.8 GHz ऑक्टेकोर का और उसमें 11 नैनोमीटर का फिनफैट और उसका GPU है 610 का। और ओप्पो F15 का जो प्रोसेसर वो मेटेक है 570 का, CPU है 2.1 GHz ऑक्टेकोर का और उसमें 12 नैनोमीटर का फिनफैट और इसका GPU है जी बेहतर है MP3 का। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, दोनों का सेम है Android 10। बात करते हैं बैक कैमरे की। ओप्पो A53 का जो बैक कैमरा वो ट्रिपल है 13+2+2 मेगापिक्सल का और ओप्पो F15 का जो बैक कैमरा क्वाड में है 14+8+2+2 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, दोनों का सेम ही 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। बात करते हैं बैटरी की, ओप्पो A53 में दी गई है 5000 mAh की और ओप्पो F15 में दी गई है 4000 mAh की और दोनों फोन बैटरीज नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्ज की, ओप्पो A53 में 18 वाट का, ओप्पो F15 में 20 वाट का और दोनों फोन में टैप्स का सपोर्ट दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो आप दोनों फोन में 2 सिम और 7 MHz का डाल सकते हो, ट्रिपल ऑप्शन दिया गया है और दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी दिया गया है और दोनों की वारंटी सेम है 1 साल की। बात करते हैं रैम की, ओप्पो A53 में है 4GB 6GB की और ओप्पो F15 में है 4GB 8GB की। बात करते हैं मेमोरी की, ओप्पो A53 में दी गई है 64GB 8GB की और ओप्पो F15 में 128GB की। बात करते हैं प्राइस की, तो दोनों का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो सेम है 12,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फोन से कौन सा फोन पसंद कौन में जरूर बताना। अगर आप दोनों फोन से कॉल करने की सोच रहे हो तो आप ओप्पो F15 के साथ जा सकते हो। अभी फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है, इसके दौरान इसका प्राइस 12,999 रुपये ही है।